किस चीज का पैसा है आप लोग बताते हैं पहले, यहाँ से हम लोग पैसा निकाल लेते। पापा इधर से सुबह सुबह ही देख सकते हैं सरसा जो हमारे थी बाड़ी में हमारे बागान में लगाया था वो सब पापा उखाड़ के ले आया है और उसको छाने में दे रहा है सूखने के लिए, ताकि वो सब निकलेगा दाना सब और उसको फिर सब्जी वब्जी वगैरह में मिला जाएगा। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और आप सभी को हमारे YouTube चैनल डांसर सनातन में स्वागत है। ये देखिए सुबह सुबह मेरा भाई अपना नीम पत्ता जुगाड़ में लग गया है, क्योंकि भाई को नीम बहुत पसंद है। और भाई को क्या, हम सबको ही पसंद है, पापा मैं छोटा भाई। तो आज सुबह सुबह बनेगी नीम की सब्जी से। तो ये से क्या बोलते हैं, कैमरा से दिख रहा है बहुत सामने पत्ता है, लेकिन सामने नहीं है, बहुत दूर। धीरे धीरे बिहान बिहान बांधो और आई गला। और जो नीम तोड़ा गया था उसका ये रहा सब्जी आलू मिला के। अभी सुबह सुबह का हमारा मॉर्निंग का चावल, गांव में सभी घर में ही नीम का सब्जी बनता ही है, नीम मिला के, मतलब आलू हो या उसमें कुछ कॉफी, फूलगोभी, फूलगोभी बोल रहे का, आलू का हो या सीम का हो या बैगन का हो या बंधा गोभी में भी मिलाया जाता है नीम। हाँ। या अगर आप लोग को पता होगा डूमोर, उसका भी। हाँ डूमोर, हाँ पता, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तब इसलिए खा लेते पहले तो जल्दी जल्दी से। खाना खा के उठे और भाई लोग लेके आए एक प्यारा सा गिफ्ट, जो कि भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड थे मिलने के लिए। अरे अभी प्यारा सा गिफ्ट लाए, उसके लिए थैंक यू। अब थोड़ा देर बाद देखें अनबॉक्सिंग करेंगे और भाई लोग से मिल लेते हैं उसके बाद। चलिए दोस्तों अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, जैसे बोला हमने कि चलिए अब देखते हैं कि भाई हमारे लिए क्या लाए थे। ऐसे कोई अनबॉक्सिंग करता है, प्यारा सा गिफ्ट हमारे लिए भाई लाए हैं। अरे वाह, फ्लावर है, किधर से खुलेगा ये, किधर से। सेलो टेप लगा हुआ है एकदम, पूरा झाड़ के। तो ये रहा प्यारा सा फ्लावर, वाह बहुत अच्छा है गिफ्ट, थैंक यू भाई डेडी के लिए। इसको हमारे जो रूम है उसमें इसको लगा देंगे, लो रख दो इसको। एटीएम के बाहर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं बताएंगे थोड़ा देर बाद आपको। पैसा हमें देना था ये भाई साहब को, क्योंकि हमारा बाइक जो फाइनेंस करवाए थे उसका हो चुका चेक बाउंस और उसी कारण हो चुका दिक्कत, और मेरा जो थोड़ा सा ज़्यादा लगना पड़ा। अभी कितना लगता है वो अभी बताऊंगा, घर चलते इधर से पहले। चलिए अब हमारे धनों को लेते हैं और इधर से अब निकलते हैं, काम तो हो गया अपना। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं और दीदी दोनों हम लोग हो चुके हैं भाई बहन रेडी, अभी कहीं जाने वाले हैं। अब कहाँ जाने वाले वो तो अभी देख के पता चलेगा आप लोग वहाँ पहुँचने के बाद, बाकी तो आप लोग थंबनेल देख के पता चली गया होगा। तो चलिए हमारे उधर का सीन दिखाते हैं कैसे क्या होता है। स्पेशल हमें बुलाया गया है मेरे सिस्टर को खास करके, तो चलिए। तो दोस्तों फाइनली हम और सिस्टर आ चुके हैं जहां पहुंचने वाले थे, और यहां पर हम लोग दोनों को खड़े कर दिए और उधर सीन है जो गेट पे सभी खड़े हैं। अभी चलिए चलते हैं और अंदर की ओर। अच्छा अच्छा, यही है जहाँ पर हम बुलाए गए। इसलिए आके हम और सिस्टर दोनों आ गए हैं और बैठ चुके थे, जो कि इसके यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। हॉल काफ़ी ज़्यादा मस्त है, कुछ हॉल इस तरह से, इधर से कैमरा वैमरा भी लगाया जा रहा है ताकि वीडियो शूट हो सके। कभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है सिस्टर, कितना एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज पहली बार आई हूँ और अंदर भी क्या फील हो रही है मैं आपको घर जाकर बताऊँगी। वॉल्यूम थोड़ा सा बोलने का दिक्कत है पब्लिक का पार्सन, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब
काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि खास फर्स्ट बार सिस्टर इस तरह से मैं आई है। यहाँ हमारे धनबाद के डीसी भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे फिर हमारे दीप प्रज्वलित की गई स्टार्टिंग में। यहाँ पर कुछ नाश्ता हमें मिले देख सकते हैं और इधर सिस्टर प्लेट सबको यहाँ पर बांटा जा रहा है, सिस्टर हमें दोनों को ही मिला और यहाँ पर सबको इसके बाद गिफ्ट दिया जा रहा, मतलब सम्मानित किया जा रहा था जो कि आप लोग देखो सर्टिफिकेट देखो, तो अभी सिस्टर को भी खिलाई गई। सावित्री महतो YouTube स्टार मरियापुर निपनिया के भाई बहन की जोड़ी सनातन सावित्री YouTube और Instagram के सेंसेशन में है। सावित्री के Instagram पर 152,000 फॉलोअर्स और YouTube पर 116,000 सब्सक्राइबर है। जोरदार तालियां सावित्री के लिए। यहाँ जो कि दैनिक जागरण के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, सिस्टर को ये सम्मानित किया गया देख सकते हैं, वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2022, जिसमें और भी हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट से जो जो इस तरह से अचीव किए हैं कुछ भी फील्ड में, तो उस फील्ड में सभी लड़की लोगों को यहाँ पर, औरत हो लड़की हो, सभी को सम्मानित किया जा रहा है। वुमेन को स्पेशल, वुमेन डे की स्पेशल पर, और सिस्टर की स्माइल तो देख ही सकते हो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा खुश। अभी तो फिलहाल हमारा वहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सिस्टर का, अभी कुछ नाश्ता वगैरह बना है खाने के लिए, अभी वहीं जा रहे हैं, सिस्टर भी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है खाने के लिए, सभी लोग लगे हुए हैं। सिस्टर कहाँ रह गए, घर से भैया हमें साथ लेके जा रहे हैं और इधर का जो कि देख रहे हो खाना वगैरह सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। बाबू ठीक है ना? हाँ, सिस्टर कटोरी लेके खड़ी हो गई है पानी पूरी के लिए। कैसा? चलिए साइड तक ले लेते हैं, उसको खाते हैं। इधर का खाना पीना हो गया, लास्ट टाइम मेरा आइसक्रीम खा लेते हैं, अब फिर उधर देखते क्या होता है। अपने धनों को लेते हैं और इधर से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी घर आ चुके हैं और वहाँ पर जैसे कि और कुछ दिखाया नहीं, जैसे सेल्फी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पर, सभी लोग मतलब बहुत लोग मिले जो कि सभी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पर खास कुछ डीसी सर ने कहा कि हम आपका वीडियो देखते हैं, डीसी सर बोले हाँ तो गजब स्माइल नहीं दे रहे थे और खड़े होके, तो खतरनाक ने कहा कि आपका वीडियो हम देखते हैं और हमेशा सपोर्ट करते रहे, मतलब इच्छा हो रही थी कि आप लोग से मिले, फाइनली आज यहाँ पर मिल गए। बहुत मुझे खास करके दोस्तों मुझे उसी प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे साथ कुछ बड़ा हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग हमें दैनिक जागरण की ओर से हमें सम्मानित किया जाएगा। और पहली बार किसी चीज से हमें सम्मानित किया गया, पहली बार। एक्चुअली हमारी जो छवि को दर्शाया गया है पहली बार वो दैनिक जागरण से ही, हमारे सबसे पहले जो आई है न्यूज पे बोल के, तो सबसे पहले हमारे दैनिक जागरण पे ही छापी गई थी हमारी छवि को उजागर, दैनिक जागरण के द्वारा ही हमारे छवि को उजागर किया। उसके बाद जितने न्यूज वगैरह में आने लगे, जी उसके बाद हम लोग आने लगे दोस्तों। इस आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमें ये मतलब 8 तारीख को थी आज वो किया गया था,
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था तो हम लोग गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर वहां पर ठूस ठूस के खाना खाई, देखे आप लोग पूरा। दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, औरत का सम्मान एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमेशा के लिए होना चाहिए। हमेशा आप गांव अपनी सोसाइटी में देखते हो कि एक जब 18 साल की बेटी हो जाती है तो आप लोग सोचते हो कि हम अपनी बेटी को शादी कब दे, ब्याह कब दे, अपना से विदाई कब करे। दोस्तों ये सोच छोड़ के उसकी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे शादी देते हो एंड वक्त पे अगर वो लड़की विधवा हो जाती है या फिर वो मां नहीं बन पाती तो टॉर्चर किया जाता है 2-3 साल के बाद, तो मत पूछिए। इतना लोग उन्हें इतना कुछ सुनाते हैं, मत बोलिए। अगर बाय मिस्टेक से उनके हस्बैंड डेट किया जाए तो उन्हें ऐसा ऐसा सुनाया जाता है, अगर वैसे ही वो आगे जाके अगर कुछ काम करे या प्लेटफॉर्म में कुछ अलग ड्रेस पहने जाए तो भी उन्हें ट्रोल किया जाता है। खास करके महिलाओं को कहना चाहूंगी, ये बात नहीं कि हम लोग है शक्ति है, लेकिन अगर हमें और शक्ति मिले, एक साथ हम लोग जुट हो तो हम सबका हेल्प कर पाएंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो एंड करते हैं, आज का वीडियो आप लोग पसंद आए तो लाइक करना, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिएगा और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।